नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। आज हमारे पास दो ट्रैक्टर हैं, न्यू हॉलैंड का है जी 3630 सुपर प्लस और 3630 स्पेशल एडिशन। भाइयों, इन ट्रैक्टरों में क्या क्या अंतर है, आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहेगा, किस इम्प्लीमेंट पे आप कौन से ट्रैक्टर की बेहतरीन परफॉर्मेंस है और कितना अंतर है भाइयों कीमत में और फीचर्स में, पूरी दोनों का कंपैरिजन करके, पूरा स्टार्ट करके, आवाज़ वगैरह हर चीज़ की बात करेंगे भाई। उन भाइयों के लिए वीडियो स्पेशल है जो 3630 और सुपर प्लस और 3630 स्पेशल एडिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और इनकी परफॉर्मेंस में किस इम्प्लीमेंट पे क्या फ़र्क आएगा। पूरी डिटेल के साथ भाइयों मैं आपको बात बताऊँ तो भाइयों, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है जी इनके इंजन में। तो भाई इंजन में क्या क्या फ़र्क है, तो दोनों ही ट्रैक्टर में जो इंजन है जी फीएट है का वो है जी, तो दोनों ही ट्रैक्टरों में फीएट पावर ट्रेन जो है जी S8000 इंजन लगा हुआ है, लेकिन इंजन की स्पेसिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्यूबिक कैपेसिटी सेम है भाई। तो भाई सबसे पहला जो स्पेशल एडिशन के अंदर है जी, जो स्पेशल एडिशन का इंजन है वो टर्बो चार्जर के साथ आता है। ये टर्बो लगा हुआ है इसमें, जो सामने आप देख पा रहे हो 25 नंबर का हॉल सेट टर्बो आता है कंपनी फिटेड। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई ये सुपर प्लस की, तो ये नॉन टर्बो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, इसमें आपको कंपनी से कोई टर्बो नहीं मिले। दूसरा अंतर आ जाता है जी पंप का भाई, जो स्पेशल एडिशन है उसके अंदर आपको जो है रोटरी पंप मिलेगा, और सुपर प्लस की बात करें भाइयों तो आपको जो है इनलाइन पंप मिलेगा। स्पेशल एडिशन के अंदर भाइयों आपको जो है ऑयल कूलर मिलेगा, जो कि मोबिलाइज ठंडा होता है जी अपना कूलेंट से, तो यहाँ से कूलेंट घूमता है पूरा। और 3630 सुपर प्लस में आपको जो है सादा फिल्टर मिलेगा, कोई भी इसमें ऑयल कूलर नहीं लगा हुआ। और भाइयों अब बात कर लेते हैं HP की। भाइयों इसकी जो RC पे HP आएगी 3630 सुपर प्लस की, वो आएगी जी 49.5 HP भाइयों, कन्फर्म जो HP इसकी आएगी RC पे। और भाइयों ये पूरा 55 HP स्पेशल एडिशन की आती है जी ऑन RC, तो 5.5 HP का फ़र्क हो गया भाइयों। आगे चल के जो है PTOH की HP भी मैं आपको पूरे तरीके से दिखाऊँ। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं रेटेड RPM की। भाइयों जो स्पेशल एडिशन है ये हाई चक्रों पे ट्रैक्टर जोर लगाता है, ये 2300 रेटेड RPM है, और जो सुपर प्लस है भाइयों वो 2100 रेटेड RPM है। तो भाइयों जो रोटरी पंप टर्बो ट्रैक्टर होते हैं वो ज़्यादा चक्रों पे जोर लगाने के लिए डिज़ाइन होते हैं, और जो इनलाइन पंप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं वो कम चक्रों पे जोर लगाने के लिए डिज़ाइन होते हैं। भाइयों अब बात कर लेते हैं PTOHP की। भाइयों जो स्पेशल एडिशन की PTOHP है वो है जी 37.3 किलोवाट यानी कि 51 HP की। और भाइयों जो अपना जो है सुपर प्लस की PTOHP है वो है जी 33.6 किलोवाट यानी कि 46 HP की। तो भाइयों 5 किलोवाट का सीधा सीधा जो 5 HP का सीधा सीधा फर्क आ गया जी दोनों ट्रैक्टरों की PTO पावर में। अब लगे हाथ भाइयों बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक कैपेसिटी की। भाइयों बिना इस आर्म रेस्ट के अगर आप लो मॉडल ट्रैक्टर लेते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों में, तो आपको 1700 kg की लिफ्टिंग क्षमता दोनों ही ट्रैक्टरों में मिल जाएगी। और भाइयों ये आर्म रेस्ट लगती सार इसकी जो है 2000 kg की क्षमता हो जाती है। बाकी भाइयों हाइड्रोलिक के फीचर बिल्कुल जो है सेम है, ये वाली है जी आर्म रेस्ट। अगर आप इसमें एडिशन में भी नहीं लेते हैं तब भी आपको 1700 kg मिलेगी, और ले लेते हो तो आपको तो 2000 kg की क्षमता मिलेगी। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जी, इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, और ट्रैक्टर बुक कराते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हाइड्रोलिक में कोई माइनर सा भी अंतर नहीं। भाइयों वीडियो में बने रहना, सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा आज मैं आप इन दोनों ट्रैक्टरों के बारे। तो भाइयों अगर फ्रंट हिस्से की बात करें तो स्पेशल एडिशन में आपको एडजस्टेबल फ्रंट मिल जाता है, और सुपर प्लस में आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट मिल जाता है। ऑपरेशनल एरिया की बात करें भाइयों, जहाँ पे बैठ के किसान भाई ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों ही ट्रैक्टरों में जो है 12+3 की स्पीड है, UG गियर बॉक्स है जी। तीन दोनों ट्रैक्टरों की चाल में कितना फ़र्क है, कौन सा हाई स्पीड लो स्पीड है, वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। तो वही इंडिपेंडेंट PTO क्लच, सब कुछ सेम है जी। ऊपर बैठ के आपको कोई भी फ़र्क महसूस नहीं हो दोनों ट्रैक्टरों के ऑपरेशनल एरिए। भाइयों रोड की अगर बात करें तो स्पेशल एडिशन थोड़ा स्लो स्पीड है 3630 सुपर प्लस से। भाइयों इसके ऊपर कोई स्टिकर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो स्पेशल एडिशन है उसके मरगाड़ पे कंपनी ने स्पेशल तरीके से स्टिकर लिया है जी, हाई स्पीड लिख करके जो मेंशन करा है। तो भाइयों रोड पे इसका और इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। सुपर प्लस काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है जी स्पेशल एडिशन से।
तो भाइयों अब बात कर लेते हैं कि किन किसान भाइयों को सुपर प्लस के बारे में सोचना चाहिए। भाइयों अगर आपके पास जो है जमीन ऐसी है जहां पे आपको रोटो सीडर चल रहा है, सीडर और सुपर सीडर में फर्क होता है, तो भाइयों आप जो है अगर रोटो लगाना है तो सुपर प्लस की काफ़ी अच्छी खिंचाई है जी। मैंने कुछ वीडियो भी डाल रखे हैं जो सुपर प्लस है जी रोटो सीडर पे। लेकिन भाइयों अगर आपको खेतों में जरूरत है वीरो, पंजाब च जेड़े एरिया दे विच सुपर सीडर ही चलाउणा वीर पसंद करदे ने जां उहदी जरूरत आ, तो तां वीरो बिल्कुल भी सुपर प्लस जो है ना लो, फिर जाओ जी स्पेशल एडिशन वाला। तो भाइयों अगर आपको सुपर सीडर चलाना है, PTO HP की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको जो है स्पेशल एडिशन की तरफ जाना होगा, क्योंकि इसकी गियर स्पीड भी थोड़ी कम है, लो गियरों में भी चाल कम है, यानी कि पूरी पूरी जो बनतर है भाइयों PTO HP के हिसाब से ट्रैक्टर टर्बो चार्जर रोटरी पंप और हाई रेटेड RPM के साथ है, तो PTO में इसका कोई मुकाबला नहीं है जी। 5 HP का PTO का जो फ़र्क आ जाता है HP का और HP का, तो भाइयों बहुत ही जो अच्छा जोर लगाता है स्पेशल एडिशन PTO पर। तो भाइयों जैसे कि अपने यहाँ गन्ने का क्षेत्र है, अगर यूपी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सुपर प्लस बहुत कामयाब है, क्योंकि हमें बड़े इम्प्लीमेंट काफ़ी कम चलाने पड़ते हैं और यहाँ पे जो है ज़्यादा हमें रोड स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो भाइयों वहाँ पे जो है सुपर प्लस बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। दोनों ट्रैक्टरों में भाइयों पिछले टायर 16/28 के, अगले टायर 7/50/16 के मिलते हैं, तो भाइयों सुपर प्लस हाई स्पीड है और स्पेशल एडिशन इसके मुकाबले स्लो स्पीड है। ऐसे ही भाइयों रेटेड RPM 2100 रेटेड RPM और 2300 रेटेड RPM, तो दोनों ट्रैक्टरों की आवाज़ चेक कर लेते हैं जी एक बार स्टार्ट करके। तो भाइयों जो है स्पेशल एडिशन को स्टार्ट करके देखते हैं, तो स्पेशल एडिशन की आवाज़ जो है पूरी नरम आवाज़ है जी, क्योंकि रोटरी पंप है, मुलायम आवाज़ है सुपर प्लस के मुकाबले, पूरे हाई RPM करके देखते हैं कि इसके कंपनी से कितने RPM आते हैं। दोनों ही ट्रैक्टरों के भाइयों PTO RPM जो है ये 1960 पे 540 पूरे चक्कर करता है, तो भाइयों एडिशन के जो RPM है 2500 RPM आते हैं इसके कंपनी, और रूटर पंप होने के साथ साथ ये ट्रैक्टर जो है आपका चाबी से ही ऑफ हो जाना है, कोई इसको आपको चोक वगैरह नहीं खींचनी पड़ेगी। अब स्टार्ट करके देखते हैं जी आपका सुपर प्लस को, तो भाई वो बहुत ही कड़क आवाज है ट्रैक्टर की, तो भाई इसके जो है 2400 RPM आते हैं और इसके बंद करने के लिए आपको चौक का सहारा लेना पड़ेगा जी, क्योंकि ट्रैक्टर इनलाइन पंप है। तो भाइयों मैंने पूरी कोशिश करी कि भाइयों को जो है कंपैरिजन समझा सकूं दोनों ट्रैक्टरों का कि भाई किस में क्या अंतर है। तो भाइयों अगर और किसी कंपनी का ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, भाइयों मुझे पता है कि आजकल ट्रैक्टरों की सेल नहीं होती, बिक्री नहीं होती, आजकल जो मेरे किसान भाई हैं नवरात्रों पर ट्रैक्टर लेना हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं भाइयों, और आजकल जो मेरे भाई हैं वो ट्रैक्टरों को देखते हैं परखते हैं, तो पूरे पूरे जो आने वाली सीरीज है भाइयों रिव्यू के वीडियो बना दूंगा, केवल और केवल आपको ये बताना है कि आपको कौन से ट्रैक्टर का वीडियो देख, जिस ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा कमेंट आएंगे भाइयों उसकी जो है सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी अपनी ऑडियंस के हिसाब से जो है वीडियो बनाऊं, जितने भी भाई चैनल को देखते हैं। उम्मीद है भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद। तो बहुत ही अहम बात रह गई थी वीडियो में, अब बात कर लेते हैं भाइयों दोनों ही ट्रैक्टरों में कीमत का क्या अंतर है। भाइयों 80,000 रुपये जो स्पेशल एडिशन है वो ट्रैक्टर महंगा है, और सुपर प्लस की जो है 80,000 से 75,000 रुपये कीमत का। और भाइयों यहाँ पे एक किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी मैं सूचना दे दूँ कि भाइयों जो टॉप मॉडल ट्रैक्टर होता है उसमें ROPS न्यू हॉलैंड जो है कंपनी से लगा के देता है भाइयों, इस कनोपी की कोई भी जो है बाज़ार में कोई इसका तोड़ ही नहीं है जी मजबूती के अंदर। तो भाइयों अगर आप जब बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर लेते हैं, अगर आप टॉप मॉडल ट्रैक्टर लेते हैं विद कनोपी के अपना ट्रैक्टर बुक करते हैं, तो आपको मात्र 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। लेकिन भाइयों कुछ मेरे भाई जैसे कि गलती कर बैठते हैं, अगर बाद में आपको ये फाइबर कनोपी लगवानी है तो भाइयों इसकी कीमत 45,000 से 50,000 रुपये है। वो कैसे है भाइयों, क्योंकि इसके साथ पूरे दोनों ही मरगाड चेंज करने पड़ते हैं। ये भाइयों ज़रूरी सूचना है आपके लिए कि जब भी आप ट्रैक्टर लें ROPS कंपनी से ही फिटेड लें, क्योंकि उस समय आपको केवल 20,000 ज़्यादा देने होते हैं। लेकिन अगर आप बाद में ROPS लगवाने की सोचते हैं कंपनी फिटेड, फिर आपको 45,000 रुपये पे करने पड़ेंगे।